सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू मोबाइल। गाइज, जो आज का अपना गेम प्ले होने वाला है वो होने वाला है बहुत ज़्यादा तगड़ा। पर उससे पहले, लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ल्यूटेनेंट सार्च को चैलेंज करा था थंडर जिम बैच के लिए, और उसे हराना मतलब इतना टफ था ना, पर फिर भी हमने मतलब भाई म्यू की मदद से उसे हरा दिया। और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आप लास्ट वीडियो जाके देखो, आपको तभी समझ आएगा हमने उसे कैसे हराया। तो गाइज, कंटिन्यू करते हैं अब इस वाले एपिसोड को। तो अब वह यहाँ से मैं क्या बोलते हैं, ल्यूटेनेंट सार्च को हराने का अपना मतलब अपने पोकेमॉन जो मैंने डे केयर वाली आंटी के पास छोड़े थे उन्हें वापस लेने जाता हूँ। और यहाँ पे मैं एक बहुत तकड़ी वाला सीन करूँगा। यहाँ पे मेरे पास स्क्वाटर होता है ना, तो अभी देखना, यहाँ पे मैंने अपने चार्मेंडर लिया, यहाँ पे अपने रॉल्स ली, और अब मैं उनकी क्या बोलते हैं अभी इन्हें चेक करूँगा। यहाँ से वापस आ रहा था तो मैं चेक करता हूँ मेरे पोकेमॉन का लेवल कितना बढ़ा, क्योंकि मैंने बहुत कम लेवल पर रखा था। और उसके बाद मैं दोबारा से अपनी क्या बोलते हैं रॉल्स को इस डे केयर वाली आंटी के ऊपर रख देता, क्योंकि देखो वो मेरी मेन टीम में तो होने वाली नहीं है और मेरे को एंड में काम आएगी। और अब मैं यहाँ पे अपना स्क्वाटल भी रख देता हूँ, क्योंकि स्क्वाटल का लेवल अप भी होना ज़रूरी है ना आगे जाके। देखो वाटर टाइप है तो उसे मैं सर्फ वगैरह सिखा के आगे मेरे वो काम ही आने वाला है जब वो इवॉल्व होगा। तो जब तक मैं ड्रैगनाइट नहीं पकड़ता जब तक मैं स्क्वाटल से काम चलाऊंगा। अब चलते हैं, स्क्वाटल को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, उसके बाद अब चलते हैं अपना सीधा मेन जगह पर। तो अब यहाँ पर मैं इस टनल से वापस आ रहा हूँ, वापस से अपना क्या बोलते हैं रूट नंबर 6 की तरफ। और यहाँ पे से अब मैं वापस आ चुका हूँ वर्मिलियन सिटी में, और वर्मिलियन सिटी से जाता हूँ अब मैं इस वाले रास्ते पे। उससे जाने से पहले यहाँ पे मैं खरीदता हूँ 10 पोके बॉल्स, क्योंकि देखो भाई अब मेरा काम है यहाँ पे पोकेमॉन पकड़ना, अब मेरे को पोकेमॉन भी तो पकड़ने हैं ना भाई। तो अब चलते हैं सीधा इस वाले रास्ते की तरफ जहाँ से मैंने अपना डक्ट्रियो लिया था। रूट नंबर 11 पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इन सबको इतना गंदा वाला धोता हूँ ना। और बट जब मैं इस वाले बंदे से फाइट लेता हूँ तो यहाँ पे होता है गलत वाला सीन। यहाँ पे मैंने मेगा ड्रेन मारा और 2 मेगा ड्रेन के अंदर भाई खा रहा था उसे, और इसे भी। यहाँ पे मैं इसे फिनिश करने के बाद तो यहाँ पे मैं अपने पोकेमॉन्स का लेवल देखता हूँ। तो और अब यहाँ पे देखना क्या सीन होगा। म्यू को पॉइंट्स मिला, चार्मेंडर को पॉइंट्स मिला, और इतने में ही ना यहाँ पे सीन हो जाएगा। अब देखना, इसे मैंने हरा दिया और उसके बाद मेरे को भाई पैसा देता है। और इसके बाद अब देखो यहाँ पे मेरा चार्मेंडर इवॉल्व होने लग जाता है 4 मिलियन के अंदर। और इस टाइम मैं इतना खुश था ना, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो चुका था मेरा, क्योंकि ये मेरा तीसरा पोकेमॉन है जो अपने सेकंड स्टेज एवोल्यूशन पे जा रहा है। और भाई बल्ले बल्ले हो चुकी है यहाँ पे फुल, मतलब एकदम तगड़ी वाली। अब ये मेरा 4 मिलियन यहाँ पे बन चुका है। अब भाई 4 मिलियन बन चुका तो अब इसे कहेंगे तगड़े तगड़े मूव्स। तो गाइस अब यहाँ से कंटिन्यू करते अपने इस वीडियो को। तो वहाँ पे से यहाँ पे से इन वाले सारे बंदों को धोने के बाद, मतलब मैं यहाँ पे सारे बुड्ढे बुड्ढे अंकल को चिचाओ को सबको यहाँ पे फोड़ देता हूँ। यहाँ पे मेरे को मिलता है एक्स डिफेंड, तो एक्स डिफेंड को मैं रख लेता हूँ अपनी जेब के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे लड़ता हूँ, जितने भी हैं ना इन सबको से लड़ता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ मेरे को याद आता है कि पीछे भी एक चाचा थे, उनसे भी लड़ता हूँ मैं। उसके बाद इन वाले चाचा से भी लड़ता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब मेरे को यहाँ पे मर्ड मारा भाई, मतलब इसका डैमेज इतना गंदा गिरता है ना मर्ड पंप का, मतलब कते ज़्यादा। इलेक्ट्रिक टाइप पे मेरे को समझ नहीं आता मर्ड वाले अटैक क्यों इतना काम करते हैं। यहाँ पे इस वाले बंदे को हराने के बाद इस वाले अंकल को भी हरा देता हूँ, और फिर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे क्या बोलते हैं मिस्टर माइम पकड़ने की। पर यार यहाँ पे देखो एक बहुत तगड़ा ही गलत वाला सीन हो जाता है। यहाँ पे मैं भाई अपना क्या बोलते हैं यहाँ पे भेजूंगा मैं अपना ग्लूम, और ग्लूम से मारूंगा बुलेट सीड। मेरे को लगता है थोड़ा बहुत डैमेज देगी, पर भाई यहाँ पे ये इसको 2 शॉट ही कर देती है, ऑलमोस्ट 3 शॉट कर देती है। और फिर मैं यहाँ पे भाई उम्मीद छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे क्या बोलते हैं पोकेमॉन थोड़े ओवर लेवल है इस टाइम। तो यहाँ पे मैं आ रहा था दोबारा से इस वाले रास्ते पे, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। और यहाँ से निकलने के बाद मेरे को याद आता यहाँ पे तो जीने हैं भाई, जीने हैं तो मतलब ऊपर तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये बंदा मेरे से डिगलेट ट्रेड करने कहता है। भाई डिगलेट क्यों ट्रेड करूँगा, मेरे पे डक्ट्री है। फिर यहाँ पे आता हूँ, ये वही बंदा है जो प्रोफेसर ओक का असिस्टेंट था। और उसके बाद मेरे को बताते हैं मेरे को कुछ देगा, और उसके लिए मेरे पे 30 टाइप के पोकेमॉन होने चाहिए, मेरे पे यहाँ पे 11 ही टाइप के पोकेमॉन है। तो मैं भाई निराशा के साथ वापस आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ इस वाले रूट पे आता हूँ, तो सर रूट पे आने के बाद मेरे को पता चलता है यहाँ पे स्नोरलैक्स भाई सो रखा है। यार एक तो ये मोटू भाई साहब पता नहीं यहाँ पे सो क्यों रहे हैं। अब मैं भाई निराश, मेरे को इतने में ना मेरे को याद आता है कि सिरिलियन सिटी के अंदर एक पेड़ था, मेरे को क्या लगता है कि वहीं से वो रास्ता निकलेगा। तो मैं उसी तरफ फिर से जाना स्टार्ट करते हैं सिरिलियन सिटी की तरफ, क्योंकि मेरे पे अब कट है तो मैं उस पेड़ को काट भी दूंगा। तो अब यहाँ से टनल से क्लियर करने के बाद मैं वापस आ रहा था सिरिलियन सिटी की तरफ। तो अब देखो सिरिलियन सिटी के यहाँ पे मैं आ गया, और यही वाले पेड़ की बात कर रहा था जहाँ पे बारिश गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इस रूट को कट करता हूँ, और उससे पहले मैं सोचता हूँ इसे कट कर दूँ। और उसके बाद मेरे को याद आता है कि मेरे पोकेमॉन्स की हेल्थ बहुत कम है, और मेरे को ल्यूटेनेंट सार्ज वाली सिटी के अंदर एक बंदा पोकेमाउंट भी देता है, पोकेमाउंट टिकट देता है। तो उससे मैं एक्सचेंज करके यहाँ पे पोकेमाउंट ले लूँगा, और अब मेरा भाई ट्रैवल मतलब बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, क्योंकि मेरे पे हो चुका है पोकेमाउंट। मतलब मैं पोकेमाउंट अब देखना, अब यहाँ पे मैं आया और अब मैं अब चेक करता हूँ कि मेरे को पोकेमाउंट कैसा मिला। और यहाँ पे मेरे को मिलता है, ये मिल चुका है मेरे को पोकेमाउंट, और अब मेरे को पोकेमॉन राइडिंग के लिए मिल चुका है। और यहाँ पे अब मैं जाऊँगा अपना
वापस इस तरफ। तो यहाँ पे आया, ये वही वाला घर है जिसके अंदर रॉकेट भसड़ मचा देते हैं टीम रॉकेट, रॉकेट कह रहा हूँ। तो अब अपनी सीधा भाई जर्नी स्टार्ट करते हैं इस वाले रास्ते पे, यहाँ से कट मारा और भाई इस वाली, तो इस वाली लड़की को मैं हराता हूँ बहुत बुरी तरीके से यार। एक तो मेरा ग्लूम भाई बहुत काम का है, मतलब ग्रूम सबसे ज़्यादा बढ़िया पोकेमोन। इतने मेरे पिकाचू को आ रहा था थंडर बोल्ट, भाई थंडर बोल्ट मतलब इतना तगड़ा मूव है ना, अभी आपको आगे जाके पता चलेगा थंडर बोल्ट कितना अच्छा मूव है। अगर आपने भाई साहब अभी तक यहाँ तक वीडियो देखे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सीधा चलते हैं अपनी जर्नी पे दोबारा। तो यहाँ पे मेरे को मिलता है TM40, वो है एरियल एस। तो यहाँ पे से इस वाले अंकल को हराने के बाद मैं निकलता हूँ यहाँ इस वाले रास्ते पे, और इस वाले रास्ते पे मैं सोचता हूँ कि मैं क्लियर आउट कर लूँ, बट मैं क्लियर आउट करके यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को मिलेगा एक और मूव तगड़ा वाला, और इन अंकल को भी हरा। यहाँ पे मेरे को मूव तो मिलता नहीं, यहाँ पे मेरे को मिलती है बर्न हील। तो अब मैं ऊपर जाता हूँ पर यहाँ पे रास्ता है बंद, और तो मैं उस मेरे को उसी ऊपर वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे को बहुत सारे पोकेमोन दिखते हैं, बट मैं इस वाले लौंडे से लड़ाई ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं अपने भाई चार मिलियन की ताकत देखूँगा। अब मैं अपने 4 मिलियन से भाई वन शॉट कर देता हूँ यार। मतलब इसकी HP भी काफ़ी लो थी, बट इसे भाई वन शॉट करना ईजी होता है। यहाँ पे से वन शॉट करा और उसके बाद मैं आगे निकल जाता हूँ, और यहाँ पे आके मेरे को पता चलता है कि ये वाला रास्ता वापस आता है। तो मैं इस वाले रास्ते से आके दोबारा से यहाँ पे सेरेलियन सिटी वाले रास्ते पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे मतलब जितने भी होते हैं उन्हें इतनी बुरी तरीके से हराता हूँ ना, मतलब मज़ा ही आ रहा है इन सबको। यहाँ पे से हराने के बाद मैं वापस आता हूँ, और अब मेरे को जाना है एक केव के अंदर। यार एक तो इन केव्स के अंदर जा रहा है ना, मैं हो चुका हूँ बोर बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं इस क्रैब से मतलब क्या बोलते हैं क्रैबी जो भी है ये, मेरे को उसका नाम ढंग से याद नहीं आ रहा, तो इस क्रैबी को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। बट मैं मतलब यार तब देखना थंडर बोल्ट से मैं इसे वन शॉट कर देता हूँ यार। मतलब अब मेरे पोकेमोन मतलब थोड़े ओवर पावर्ड हो गए, तो यार मैं पोकेमोन नहीं पकड़ पाता। अब मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा मैं यहाँ पे पोकेमोन्स कैसे पकड़ूंगा। मेरे को चाहिए 30 पोकेमोन्स, जो प्रोफेसर ओक का चेला मेरे को कुछ देगा मतलब चेकर वगैरह। तो यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ अपना पोकेमोन सेंटर की तरफ, क्योंकि भाई देखो रास्ते में मेरे पोकेमोन्स की HP हो चुकी है बहुत ज़्यादा कम, तो भाई उन्हें ठीक कराना तो जरूरी, मतलब उनकी हेल्थ रिकवर करवाना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे से इन्हें हेल्थ रिकवर करवाने के बाद मैं दोबारा क्यों कर देता हूँ उसे, तो हाँ अब मैं यहाँ पे नो करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ अपने रास्ते पे। तो अब यहाँ पे मैं आया, और देखो अभी केव है ना, इस केव के अंदर होता है बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाला सीन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर करें। रॉक टनल के अंदर आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे देखो मतलब यार बतेरे पोकेमोन है, इतने पोकेमोन्स मैं आराम से पकड़ सकता हूँ। केंगिस खान भी है यहाँ पे, इस वाले अंकल को भी यहाँ मैं हरा देता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे माँ चॉप पकड़ूँ, बट माँ चॉप का देखना क्या ही सीन करूँगा मैं। यहाँ पे मैंने अपने पिकाचू भेजा और पिकाचू से मारता हूँ मैं थंडर बोल्ट, और पिकाचू से भाई ये हो जाता है वन शॉट। मतलब यार थंडर बोल्ट तो ओवर पावर्ड ही है, मतलब कतई तगड़े वाला ओवर पावर्ड मूव है ये। और यहाँ पे भाई अपने पोकेमोन्स की HP बढ़ जाती है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या इतने सारे चार्मेंडर, बट मैं सोचता हूँ इनमें से एक और पकड़ लूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं पकड़ पाता, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पाता मैं। ये पत्थर का कुछ सीन होगा, देखते हैं आगे जाके पता चलेगा वो। और अब हम सीधा चल रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ जाना है रॉक टनल में, और नीचे आने के बाद मैं ट्राई करता हूँ इसे पकड़ने की, क्या बोलते हैं क्यूबॉन को पकड़ने के ऊपर। यार क्यूबॉन को भी हम मार ही देते हैं, क्यूबॉन को मारते तो है भाई, उसके बाद पैरालाइज करने के बाद इसे हम यहाँ पे इजीली पकड़ भी लेते हैं। तो भाई अपना अपन ने एक और बहुत तगड़ा वाला पोकेमोन खरीदा, और यहाँ पे भाई इस वाले बंदे को हराने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे मेरे को मिलता है रिवाइव। अब मेरे पे 2 रिवाइव हो चुके हैं, और ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं इन फ्यूचर फाइट्स में। यहाँ पे इस लड़की को हराने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और इस वाले अंकल को भी हरा देता हूँ बहुत ईजिली। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ आता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ऊपर वाले बंदे से फाइट लो, और नीचे वाले से फाइट लेनी ही पड़ती है, मैं निकल ही नहीं पाता। तो यहाँ पे जीने से मैं फिर से ऊपर चला जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखना यहाँ पे मैं आया इजीली, मैं अवॉइड करने का ट्राई करता हूँ, पर इस बंदे से मेरे को फाइट लेनी पड़ती है। और यहाँ पे आने के बाद मेरे को मिलता है एस्केप रोप। यार एस्केप रोप का तो मेरे को पता भी नहीं है क्या यूज़ होता है, जब हमें जीने ही यूज़ करने। यहाँ पे देखो कितने सारे गेंगिस खान भाई, अभी देखना यहाँ पे गेंगिस खान के बहुत तगड़े वाले सीन होने वाला है। और देखो यहाँ पे पत्थर है, अब हम इन पत्थरों को भी तोड़ पाएंगे थोड़ी देर के अंदर। तो अब वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये लड़की आती है यार, पता नहीं क्यों फाइट ले लेती है मेरे से, तो बहुत मारता हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को मिलता है मैक्स ईथर से भाई बहुत ज़्यादा काम होता है देखना। अब इस वाले बंदे से मैं फ़ाइट लेता हूँ, ये भाई मतलब इतना तगड़ा बंदा होता है ना, केंगिस खान यूज़ करता है 40 लेवल का, और उसको भाई मेगा इवॉल्व भी कर देता है भाई, वन शॉट कर देता है मेरे क्या बोलते हैं पिकाचू को। उसके बाद मैं अपना म्यू भेजता हूँ,
पहले मैं भेजूंगा अपना ग्लूम, पहले उसके बाद मैं भेजता हूँ अपना म्यू। अपना म्यू भेजने के बाद भाई म्यू से मैं साइक मारता हूँ, साइक से डैमेज बहुत पड़ता है, दो साइक, और तीन साइक के अंदर भाई इसे कंगिस खान मेगा एवोल्यूशन वाले को हम कर देते हैं टू शॉट भाई, मतलब कहते ही मज़ा आ जाता है इसे मारने के बाद। अबे लिकेटंग भेजेगा और इसके लिकेटंग को भी हराने के बाद इसके लिकेटंग को भी हम टू शॉट कर देते हैं बहुत ईजिली, इसके लिकेटंग को थ्री शॉट कर देते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। इसके लिकेटंग को हराने के बाद अब ये भेजेगा चैंसे, इसके चैंसे को भी हम बहुत ही बुरी तरीके से मारेंगे फुल, पहले एक फुल रिस्टोर भी ज़रूरी है भाई, हेल्थ होनी चाहिए अपने पे भाई। चैंसे से साइकिक मारा चैंसे को भाई, इस पर ना साइकिक अटैक का वो नहीं होता, इस पर फिजिकल अटैक मेगा पंच मार दो भाई क्या डैमेज होता है। एक और मैं अब स्लीप हुआ, अब मैं अवेकनिंग मारूंगा इस पर अपने म्यू पे, अवेकनिंग मारने के बाद अब इसको मारूंगा मैं भाई कतई मुंह पे एक घुसंड खिंचा के मेगा पंच भाई, एक शॉट कर देता इस वाले मेगा पंच से। तो गाइस अब हम जाने वाले हैं इस केव के बाहर, तो अब देखो इस केव के बाहर आने के बाद हम पहुंच जाएंगे यार केव के बाहर, पहले इन बच्चों से लड़ाई करने के बाद यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ। और देखो अब मेरे को यहाँ पे मिलता है एक पर्ल, और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि स्लो पोक को पकड़ लूँ, बट यार ओवर पावर्ड है मेरे पोकेमॉन, मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे भी ये वन शॉट हो जाता है। मैं यानी यहाँ पे बुलेट स्पीड मारी और उसके बाद देखो वन शॉट ही हो गया, मतलब एक बारी में ही भाई एक बारी में मर गया। तो गाइस अब हम इस वाले टनल से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे अपना लेवेंडर सिटी के अंदर। यहाँ पे इन्हों को हराने के बाद दोनों को, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लेवेंडर सिटी के अंदर भाई। इस सिटी के अंदर कहा जाता है कि यहाँ पे घोस्ट रहते हैं, अभी आपको वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा कि यहाँ पे कितने घोस्ट रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो कि आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है। और हाँ, हाउ टू डाउनलोड पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू मोबाइल के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप सबको। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट।